तो ये पर्शियन कैट में एक आर्थिकी कैसे हो सकती है और कैसे इसको पाल सकते हैं अगर कोई फार्मर है, वो थोड़ा सा बताइए हमें। और बारिश के वजह से जो वायरल इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ते हैं तो ऐसे शेड में ऐसे स्ट्रक्चर में वो चांसेस लगभग जीरो के तौर पे बन जाते हैं। अगर फीमेल पसंद आ गई तो पेट में बच्चा भूख हो जाता है। मान लीजिए मैं फार्मर हूँ बेसिक, और मैं अफ्रीकन बोर गोट की पालने के लिए शुरुआत करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे स्टार्ट करूँ वो मुझे बताइए। T20 मैच नहीं, चौके छक्के लग जाए, ये टेस्ट मैच है, एक एक ही रन निकलेगा लेकिन 100% निकलेगा, कम रिस्क में निकलेगा, धीरे धीरे निकलेगा, धीरे धीरे निकलेगा। धंधे में बस टिके रहिए, पैसा आपको मिल ही जाएगा। तो ये हमने साफ क्यों किया नहीं, क्योंकि ये इसमें अमोनिया लेवल बहुत ज्यादा रहता है। इतना स्टडी आपका कब हुआ? नहीं सर, अभी आप क्या मतलब छोटी छोटी चीजें देखता गया, सोचता गया और सीखता गया, ऐसा ऐसा। दोस्तों आज हम महाराष्ट्र में नासिक में मांड सांगवी यहाँ पे आए हैं, और आज हमारे साथ एक ऐसे फार्मर हैं जिनका यहाँ पे एक एकड़ का ही एरिया है, लेकिन यहाँ पे जो है बहुत ही अलग अलग तरीके की यहाँ इन्होंने जो चीजें की है वाकई में गजब की है। मेरे हाथ में ये देख सकते हैं पर्शियन ये कैट है, और अभी हम जहाँ पे खड़े हैं दोस्तों यहाँ पे जो है अफ्रीकन बोर गोट है, इसके पास में खरगोश है, पोल्ट्री फार्मिंग है, डॉग है, ट्रेडिंग भी करते हैं सिरोही की और कौन सी कोटा की। और दोस्तों सबसे अहम बात क्या है कि इनका जो है लगभग 10 से 15 साल तक जो है फार्मा में इनका काम हुआ है, यानी कि मेडिसिन में इनको बहुत ही ज़्यादा पारंगत, इसकी वजह से जो है इनको गोट फार्मिंग में मेडिसिन में काफ़ी हेल्प होती है। दोस्तों आज जो हमारे साथ हैं फार्मर, उनका नाम है बापू बर्वे जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा खास करके ये मनमोहक पर्शियन कैट। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो वो भी दबाइए, ताकि नई नई जो वीडियोज हमारी आती रहती है उसके बारे में आपको जानकारी आती रहे। तो शुरुआत हम ये कैट से करते हैं, इसके बारे में हमें पहले डिटेल में जानकारी दीजिए। सर ये पर्शियन कैट्स है, इंडियन ब्रीड नहीं, ये फॉरेन की ब्रीड है। okay. जो भी पेट्स लवर है उनके लिए बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। okay. तो इसके लिए अभी मे बी यानी पेट्स के पेट के हिसाब से स्टार्ट की है, लेकिन एज पर लोगों की डिमांड की वजह से इसको कमर्शियलाइज कर रहा हूँ। नया कंस्ट्रक्शन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, ये 30 फीमेल्स के साथ अभी ये नया प्रोजेक्ट में चालू कर रहा हूँ। okay, 30 फीमेल्स। अभी आपके पास ये व्हाइट है, ये व्हाइट है, तीनों फीमेल है, तीनों फीमेल है। तो ये कितने दिन के है अभी? ये लगभग एक 2 महीने का, 60 या 65 डेज के आजू बाजू में, 5.5 महीने की ये है। अभी इसको अडल्ट आने में बहुत टाइम है। ये अभी इसके आंखें दिखाइए, थोड़ा येलो टाइप है, ये बहुत ही खूंखार है। इसमें येलो टाइप ब्लू आईज दोनों आ जाते हैं, इसमें येलो व्हाइट और ब्लू जैसे आईज रहते हैं इसमें और आईज भी आता है। ये आपका जो रुझान है वो कैट की तरफ किस वजह से इतना है? जस्ट पेट लवर हूँ ऐसा बोल सकते हैं। सब एनिमल्स मुझे ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने सब रखे। आपने जैसे देखा मुझे सब एनिमल पसंद है। अच्छा एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचा जाए तो ये पर्शियन कैट में एक आर्थिकी कैसे हो सकती है और कैसे इसको पाल सकते हैं अगर कोई फार्मर है, वो थोड़ा सा बताइए हमें। इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये बोलूँगा कि अगर मैं बोलूँगा तो किसी को यकीन नहीं आएगा, लेकिन इसका जो बोलते इकोनॉमिकल ये बहुत स्ट्रांग है, मतलब फाइनेंशियल टर्न और बहुत बढ़िया हो सकता है। जो मैं अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में प्रोजेक्ट है उसमें लगभग मैं 12 से 15 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। ये हर 21 दिन के बाद हीट पे आती है ये फीमेल। okay. हर 21 दिन का इसका प्रेगनेंसी ड्यूरेशन पीरियड है लगभग 54 से 57 डेज का। 12 से 14 महीने में लगभग 4 times डिलीवरी हो जाती है। एक एक टाइम में 4 से 5 बच्चे दे देती है एक एक टाइम में। अगर हम बोले कि 13 से 14 महीने में 4 बार डिलीवरी नहीं हुई, खाली 3 बार ही डिलीवरी हुई, तो भी अपने को 12 बच्चे मिल जाते हैं एक फीमेल से। और एक फीमेल 12 के 2 अगर कुछ प्लस माइनस भी हो गए, 10 भी बच्चे बेच दिए, तो भी एक फीमेल के पीछे मैं दावे के साथ बोल सकूंगा कि कम से कम 70 से 80 हज़ार आप एक फीमेल के पीछे लगा सकते हैं। इस हिसाब से मैंने लगभग अभी 30 फीमेल्स के साथ ये मदर स्टॉक रख रहा हूँ मैं। 30 फीमेल्स के साथ काम चालू किया है। बहुत बढ़िया, आपको बेस्ट ऑफ लक। और सबसे अहम बात ये है कि आप इसको हेल्थ में, खाने में, मेडिसिन में क्या ध्यान देना चाहिए? हेल्थ में सर ये जो बाल रहते हैं ये ना गिरे, इसलिए विटामिन एच की
कि विटामिन एच और डिवर्मिन, ये दोनों बहुत जरूरी विटामिन एच की सप्लीमेंट रेगुलर बेस पे देनी चाहिए और लिवर डिवर्मिन रेगुलर बेस पे करना चाहिए, और डाइट में जितना हो सके ज़्यादा प्रोटीन देना चाहिए क्योंकि प्रोटीन से अभी इनका एज के हिसाब से, पहले 9 महीने में हम प्रोटीन उनको ज़्यादा देते, प्रोटीन दे के बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा बढ़ा लेते हैं, फिर 9 महीने के बाद जब वो हीट पे आएगी ब्रीडिंग के लिए तब 2 महीने थोड़ा सा प्रोटीन पूरा कम कर देते और कार्बोहाइड्रेट के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन करते हैं, मिनरल के ऊपर, क्योंकि वो ब्रीडिंग होने के बाद कन्फर्म इमिजिएटली हो जाए ऐसा, ज़्यादा फैटी होने से भी वो कन्फर्म नहीं हो पाती ऐसा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है ब्रीडिंग करते वक्त। ओके दोस्तों, लाइक तो जरूर बनता है क्योंकि इतना बढ़िया जो है हमने इस पर्शियन के बारे में जानकारी ली। अभी हम इसके घर में इनको छोड़ते हैं अभी, वो आराम से आदत है उनको। तो अब हमें बताइए कि आपका जो ये वाला इधर का फार्म है, दोस्तों अब हम गोट फार्मिंग के बारे में जानने वाले हैं कि ये गोट फार्मिंग जो है यहाँ पे किस तरीके से हो रहा है, गोट फार्मिंग का स्ट्रक्चर क्या है और यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, वो डिटेल में हम जानकारी लेने वाले। हमें शेड से लेके यहाँ पे गोट फार्मिंग के ऊपर क्या काम हो रहा है वो डिटेल में बताइए। यहाँ पे ये जो मदर स्टॉक देख रही है, पूरा मदर स्टॉक फीमेल ही है सब, ये ब्रीडिंग के लिए हम कर रहे हैं, तो इसमें शेड ये जमीन से लेके ऊपर उठा के किया है क्योंकि नासिक में बारिश बहुत ज़्यादा गिरती है और थोड़ा ना बोले तो भी लेबर का कभी कभार प्रॉब्लम आ जाता है, तो ये फल्ली सिस्टम की वजह से एक दो तीन दिन के बाद भी आपने साफ सफाई किया तो भी कुछ तकलीफ नहीं होती है, और बारिश की वजह से जो वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ते तो ऐसे शेड में ऐसे स्ट्रक्चर में वो चांसेस लगभग जीरो के तौर पर बन जाते अपने, ऐसा जो भी मेजरली इन्फेक्शन है वो यूरिन से ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है, तो वो ना स्प्रेड हो जाए इसलिए फली सिस्टम से वो अंदर चला जाता है, नीचे की तरफ चला जाता है। आपका मतलब मेजर पर्पस क्या है ये अफ्रीकन बोर गोट का पालन? ये अफ्रीकन बोर गोट जो है सातारा सांगली ये साइड में बहुत ज़्यादा है, लेकिन उत्तर महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं जैसे कि नासिया धुलिया जलगांव नंदुरबार और ये औरंगाबाद वो पूरा एरिया में, तो ये एरिया में इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन प्रोडक्शन इतना नहीं है, अवेलेबिलिटी इतनी नहीं, तो उस हिसाब से जैसे मैं सिरोही कोटा में ट्रेडिंग करता था जो भी अपने नज़दीक के फार्मर से वो बोल रहे थे कि आप बोर में काम चालू कीजिए कि हमें यही से मिल जाए, तो वो टारगेट बना के हमने एक 12 फीमेल के साथ अभी ये प्रोजेक्ट चालू किया। अच्छा, टोटल यहाँ पे 12 फीमेल्स हैं, 12 फीमेल्स, इसके जो मेल होंगे वो आप मार्केट में यहीं पे बेचेंगे? मेल फीमेल जो भी है मार्केट में, जैसे कि जो फार्मर से हमारे टच में, जैसे रिसेंटली अभी लास्ट मंथ में भी हमने स्टर्ड लाइन की फीमेल औरंगाबाद और शिरडी करके ये वहाँ पे बेच दिए थे हमने। अच्छा, यही पास में ट्रेडिंग आपकी हो जाती है, पास में, दूर जाने की जरूरत नहीं है? जरूरत नहीं, ये सब क्वालिटी के ऊपर डिपेंड है, मतलब अगर फीमेल पसंद आ गई तो पेट में ही बच्चा भूख हो जाता है, फीमेल के एनाटॉमी के ऊपर रहता है, बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर रहता है, फीमेल अगर पसंद आ गई तो वो इमीडिएटली भूख हो जाता है। ये कब से कर रहे हैं आप गोट फार्मिंग? गोट फार्मिंग मुझे 6 साल हो गए गोट फार्मिंग, लेकिन अफ्रीकन बोर में 2 साल से काम कर रहे हैं। तो मुझे आप अफ्रीकन बोर गोट की थोड़ा सा जो आप फीमेल पाल रहे हैं उसकी ब्रीडिंग हो रहा है उसके भी इकोनॉमिक थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा, किस तरीके से इकोनॉमिक मतलब फार्मर बिजनेस कर सकता है या ले जाके उसको पाल सकता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जो भी हम जो भी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं जो भी अमाउंट है, अगर हम बिजनेस पॉइंट के ऊपर, मैं तो यही बोलूंगा कि हमने वो एसेट समझनी चाहिए, जैसे कि कोई लड़का 20 साल एजुकेशन लेता है, 20 साल में अगर उसके 10 लाख एक्सपेंसेस हो गए तो पहले ही उनकी तनख्वाह 20 लाख मिलनी चाहिए, तो ऐसा अगर एक्सेप्ट किया तो नहीं चले, वैसे ही बिजनेस में रहता, अगर हम 20 लाख रुपए डाल रहे तो उसको हमने 10 साल में डिवाइड करके वो प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहे, वैसे ही ये सब समझ लो मेरे पास 12 फीमेल है, कॉस्ट के हिसाब से मैं ज़्यादा कम करके 1 लाख रुपए भी कॉस्ट पकड़ ली तो 12 लाख के फीमेल्स है, तो इनका मैं क्या मार्केट में रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा मैं सिंपल फार्मर्स को यही बताऊंगा कि ये 25-25 हज़ार में भी एक एक जानवर बेचाना, तो 14 महीने में मतलब 14-15 मंथ में 2 बार डिलीवरी हो जाती है, एक मेल एक फीमेल भी हो गया 25-25 से भी कर लिया तो एक फीमेल के पीछे 1 लाख रुपए आपको एनुअली इनकम मिल सकता है। स्टर्ड लाइन निमकर लाइन फुल ब्लड ये सब चीज़ें छोड़ दो, खाली फीमेल्स भी कैलकुलेट किया हमने, खाली फीमेल छोटी क्वालिटी अच्छी क्वालिटी बड़ी का 25 हज़ार में भी बेचा तो भी 1 लाख रुपये एक फीमेल के पीछे रह जाता है अपने, और हम 1 लाख रुपए रह जाएगा लेकिन हमें खर्चा भी देखना चाहिए, खर्चा, तो खर्चा का थोड़ा बताइए। ये जो गोट्स है उनका फूड कन्वर्जन रेशो बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब अब अभी यहाँ पर भी देख पाओगे तो बहुत ज़्यादा कुछ डाला नहीं है खाने के लिए, जस्ट नॉर्मल खाया हुआ है, क्योंकि गोट फार्मिंग में 2 चीज़ें रहती है, पहली चीज़ आप काम करते हैं इंडियन गोट फार्म के बारे में, अगर इंडियन ब्रीड में काम करोगे तो आपको काम करोगे ये वेट बढ़ाने के लिए, बट ये बोर इंडस्ट्री पूरी अलग है, यहाँ पे आपको वेट बढ़ाने के लिए काम नहीं करना पड़ता, वेट मेंटेन करने के लिए काम करना पड़ता। अभी ये इसमें से कुछ फीमेल्स है वो ब्रीडिंग के लिए अभी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ,
लगाओ। तो अगर आप देखो इधर कुछ भी खाने के लिए डाला नहीं, खाली सूखा थोड़ा थोड़ा डाला हुआ है, क्योंकि ज्यादा वेट ना बढ़ जाए कि ब्रीडिंग के लिए दिक्कत आ जाए। खर्चा कम है, बाकी एनिमल में एक किलो अगर मक्का खा लिया समझ लो तो उनका फूड कन्वर्जन रेशो कम रहेगा। मैं तो बोलता हूँ इन्होंने 300 ग्राम भी खा लिया तो भी जितना प्रोटीन एब्सॉर्ब करना चाहिए वो उतना प्रोटीन एब्सॉर्ब करता है। इसके लिए एफसीआर रेशो में बोर का नाम बहुत अच्छा एनिमल में लिया जाता है, एफसीआर फूड कन्वर्जन रेशो ऐसा। तो इसके लिए इनका वेट गेन अच्छा रहता है, खर्चा कम है बाकी एनिमल के कंपेयर में। ये नहीं मैं बोलूंगा खर्चा भले ही सेम रहेगा बोर का और बाकी के ब्रीड का, लेकिन हेल्थ में कोई रिस्क हेल्थ, बाकी वैक्सीनेशन अगर आपने प्रॉपरली टाइम पे टाइम किया तो ज्यादा रिस्क कुछ नहीं है। जो नॉर्मल रहती है वायरल इन्फेक्शन वगैरह वो तो है ही है सब एनिमल में, लेकिन मैं बोलूंगा कि ये लगभग पत्थरी ऐसा समझ लिया तो भी चलेगा। पत्थर इतना बहुत टप ब्रीड, मतलब नॉर्मली ऐसा छोटे से इसके वो मतलब जो वायरल जो कुछ होता नहीं है ऐसा यूज। इम्यूनिटी अच्छी है, इम्यूनिटी पावर बहुत बढ़िया है इनकी, बहुत बढ़िया। मतलब एक मुझे ये चीज बताइए, बाहर चलते हैं आशुतोष भाई, एक चीज बताइए, हमारा फार्मर है, मान लीजिए मैं फार्मर हूँ बेसिक, और मैं अफ्रीकन बोर गोट की पालने के लिए शुरुआत करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे स्टार्ट करूँ वो मुझे बताइए। बड़े से स्टार्ट करूँ, छोटे से करूँ, या किस टाइप से करूँ? सर ये चीज का मैं आंसर दो टाइप्स में दूंगा। पहली टाइप्स ये रहेगी कि आपका बजट कितना है फाइनेंशियल, आपको एक्सपीरियंस कितना है। बजट और एक्सपीरियंस दोनों अच्छा रहा तो आप 10+1 के साथ में भी काम कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो डायरेक्टली आप थर्ड लाइन या फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन में काम करने के जगह पर निमकर लाइन लीजिए, उसके ऊपर एक साल काम कीजिए, बाद में बड़े लेवल सोच, क्योंकि आपने जो भी एनिमल देखे उसके ऊपर ना बोले तो भी मोर देन 35 लाख की इन्वेस्टमेंट है सब कुल मिला के, इम्पोर्टेड कपी पकड़ ले तो बहुत बड़ी मतलब इन्वेस्टमेंट हो जाती है नए फार्मर्स के लिए। तो नए फार्मर जब बकरी लेने जाता है तो उसे क्या सोचना चाहिए, मतलब बकरी के बच्चा लेना चाहिए या बड़ी फीमेल लेनी चाहिए, कैसे लेना चाहिए? नॉर्मली बजट अगर कम हुआ तो एक 6 से 9 महीने के बीच की फीमेल लेनी चाहिए, कि जो 2-4 महीने के बाद में प्रेग्नेंट हो जाए और उनका फाइनेंशियल जो सर्कुलेशन वो चलता रहे, जल्दी चालू हो जाए। उसलिए 6 से 9 महीने के अगर लिया तो वो अच्छा रहता है फार्मर्स के लिए एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस कैलकुलेशन। एक और मेरे मन में क्वेश्चन है, मैंने कई सारे गोट फार्म पे मैं जाता हूँ, पूछता हूँ कि ये अफ्रीकन बोर गोट जो है ये अभी कटिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सर अभी फिलहाल जो क्रॉस की ब्रीड है अफ्रीकन उस्मानाबादी क्रॉस के बच्चे हैं वो कटिंग हो रहे, प्योर में कटिंग अभी तक नहीं हो रहे। अभी ये भी लोग बोलते हैं कि यार अभी कटिंग नहीं होती ये इतने कॉस्टली क्यों जाते हैं, वही कॉस्टली क्यों जाते हैं, तो उसका मेजरली रीजन रहता है। सर एक एग्जांपल दूंगा मैं, जैसे हम खेत में काम करने के लिए बेल का इस्तेमाल करते हैं वो भले 50,000 में जाता है, लेकिन जो वायु बोलते हैं हम मराठी में वो 5-5 करोड़ में जाता है। क्यों करोड़ में जाता है? उनका वो जो बोलते हैं ना वो डेवलपमेंट के हिसाब से उनके जेनेटिक्स बाकी में डेवलप हो जाए इसके लिए, ये कटिंग के लिए 100% आ जाएगी। लेकिन इंडिया में जो जिस तरीके की डिमांड है वो तरीके से मुझे मेरे स्टडी के हिसाब से लग रहा है जो प्योर लाइन है प्योर लाइन उसको कम से कम 10 साल से नीचे टाइम नहीं लगेगा, 10 साल के ऊपर ही टाइम लगेगा कटिंग के आने के। मतलब ये आपको लग रहा है कि 10 साल तक अभी ये स्प्रेड होगा और उसके बाद में आएगा। एक और जरूरी बात की थोड़ा सा बत्तख हमें दिखाइए कि आपने नीचे रखे हैं वो किस लिए रखे हैं, आगे से चलते हैं हम उसके बारे में डिटेल में बताइए, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में ऐसे बहुत फार्म है जो कि हाइट पे रहते हैं। थोड़ी देर पहले हमने लाइव किया था फेसबुक पे, आपने उसमें कुछ वजह बताई थी वो बताइए। सर आज जो भी गोट फार्म वाले हैं सब लोगों को मालूम है कि गोट्स को अगर किसी एनिमल से तकलीफ है तो बिच्छू से है। मतलब अभी तक ऐसा कुछ रिसर्च हुआ नहीं कि बिच्छू काटने के बाद फीमेल को कैसा बचा सकेंगे हम गोट्स को। तो अभी एक ये ही एनिमल है जो बिच्छू को खा सकेगा। अच्छा। मतलब आप अंदर जाके अगर थोड़ा सा हमने निहाल भी लिया तो बिच्छू छोड़ो बारिश के वजह में यहाँ पे एक मूंगी भी नहीं दिखेगी, ये सब खा लेते हैं ये सब। अच्छा। इसके वजह से बिच्छू का टेंशन रहता नहीं है, स्नैक्स कुछ सांप भी कुछ भी आता आधा है सेफ्टी तो यही भी कर आधा सेफ्टी यही कर लेते हैं सर, इसके वजह से उनको ये रखा है, रखवाला है ये तो, शोक भी हो जाता है और रखवाली भी हो जाता है ऐसा। ग्रेट, बहुत प्यारे दिखने में प्यारे लगते हैं सर। बंद कर दीजिए। तो दोस्तों हम काफी चीजें नई नई देख रहे हैं यहाँ पे, इधर चलते हैं अब आपका स्टेप बाय स्टेप। ये किस क्या चल रहा है इस साइड में? सर ये पर्शियन कैट्स का चल रहा है, अभी जो आपने पहली तरफ वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था जो पर्शियन कैट्स है। हाँ। तो इनके लिए डिलीवरी रूम यहाँ पे रहेगा, बाकी के केजेस रहेंगे, और यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे आगे का ये जो मेरा ये पोर्शन ये बालकनी सेटअप रहेगा। यहाँ से वो बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन इधर से आगे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे पूरा लॉन एरिया रहेगा,
सुबह 2 घंटे शाम को 2 घंटे वहाँ पे वो टहल सकते हैं, प्ले कर सके, खेल सके, इसके वजह से रखा है। क्योंकि फिजिकल एग्जर्शन कितना है उसके ऊपर ही आपका ब्रीडिंग सेटअप का सक्सेस डिपेंड करता है। क्योंकि जितना एनिमल मूव हो सके, जितना एनिमल खेल सके, उतना ब्रीडिंग का सक्सेस रेशो बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर आप प्योरली केजेस में रखोगे तो ब्रीडिंग का सक्सेस रेशो थोड़ा सा कम हो जाता है एनी एनिमल। इतना स्टडी आपका कब हुआ? नहीं सर, अभी आप क्या मतलब छोटी छोटी चीजें देखता गया, सोचता गया और सीखता गया, ऐसा ऐसा। वाकई में दोस्तों एक गजब की बात है कि इतना एक्सपीरियंस लेना, मतलब वाकई में एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कैट है, बतख हुआ, गोट हुआ, और आगे और क्या चीजें वो दिखाइए पहले, फिर आगे हम बात करते हैं। ये सब खरगोश है सर, ये खाली शौक के लिए रखे थे। अच्छा, तो अभी जैसे आप जैसे लोग, बहुत से लोग हैं जो विजिट के लिए आते हैं तो कुछ डिमांड कर देते हैं, आपके पास है क्या बच्चे, तो हम दे देते हैं ऐसा। अच्छा, ये देसी खरगोश है? देसी खरगोश है, लेकिन देसी में भी कुछ तो अलग फॉर्म आता है। जैसे कि आप उनकी आग देख पाओ तो पूरा पिंकिश है। हाँ, पिंकिश तो है, पिंकिश। और नॉर्मली खरगोश आदमी के पास में आता नहीं, ये पूरा जैसे एज ए लाइक फैमिलियर मेंबर जैसे अपने पास में आ जाता है, बैठ जाता है। और ये भी हमने अभी ठंड की वजह चल रही है तो ये हमने साफ क्यों किया नहीं, क्योंकि ये इसमें अमोनिया लेवल बहुत ज्यादा रहता है। जितनी अमोनिया लेवल ज्यादा उतनी उनको ठंड कम लगती है, इसके लिए ये वैसे ही रखा गया। ओके, जब तक गर्मी ठंडी है तब तक वैसे ही रह जाएगा। ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। आपके फार्म पे जो है छोटी छोटी बारीक चीजें भी बहुत ही अच्छी मुझे लगी। हाँ, ये स्ट्रक्चर अगर आप देख रहे हैं इसके ऊपर भी हमने ज्यादा खर्चा नहीं किया है। अगर आप देख पाओगे तो सिंपल में जाली लगाए हुए, बहुत से लोग सीमेंट कॉन्क्रीट में करते हैं, लेकिन वो खर्चा मैंने नहीं किया है। लोखन में ना करने की वजह से लोग बोलते हैं कि वो ये अमोनिया लेवल की वजह से गंज पकड़ लेते हैं, लेकिन हमने क्या किया, जो एंगल लगा उसको सीमेंट लगा दिया, सीमेंट का लगा दिया, मतलब जो कि जितना इकोनॉमिकल में हो जाएगा उस हिसाब से लगा लिया। और नीचे भी लोग सीमेंट कॉन्क्रीट कर देते, मैंने कुछ नहीं, खाली बीट के पत्थर ऐसे डाल दिया, वो ऑटोमेटिकली एब्सॉर्ब होता रहता है जो वाटर लेवल बारिश में आ जाता है वैसे। मतलब नॉर्मली नेट बीट लगा ली। यहाँ पे लेयर पोल्ट्री फार्मिंग हो रहा है? लेयर पोल्ट्री फार्मिंग है सर। यहाँ पे लेयर पोल्ट्री फार्मिंग में कितनी टोटल मुर्गियां हैं यहाँ पे? यहाँ पे सर 3200 मुर्गियां है, 3200 मुर्गियां है। Okay. अभी बस अभी काम ही चल रहा है, सब ये सब अंडे को जमा कर रहे हैं। इसे जैसे अंडा कलेक्शन का काम दोस्तों यहाँ पे चल रहा है। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं अंडे के ट्रे रखे हुए हैं। और मुर्गियाँ कितनी बताई आपने? 3250 मुर्गियाँ। 3250 अंडे डेली के कितने निकल? 2900 से लेके 3000 के बीच में निकल जाते हैं। जैसे अच्छा 3000 के आजू बाजू जब नए रहते हैं मुर्गियाँ, जब मतलब नई बैच स्टार्ट होती है तब मुर्गियों का 3000 ऐसा अंडे आते हैं। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ जाती है तो स्टेप बाय स्टेप वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। ओके, मुझे एक चीज बताइए कि आपका ये पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में, ये लेयर के बारे में क्या विचार है? सर नॉर्मली आपको तो मालूम है जॉब करता हूँ सर। हाँ, तो ये मैं एज अ पेंशन स्कीम के हिसाब से इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा ऐसा नहीं, पैसा इसमें कम ही मिलता है, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत बढ़िया है इसमें। मतलब भले रोज के ये शेड के पीछे 3000-4000 मिल जाते हैं आराम से, अच्छे से नॉर्मल सीजन में, अच्छे सीजन में 6000-7000 भी मिल जाते हैं, लेकिन नॉर्मल टू नॉर्मल 3000-3500 से कम नहीं मिलता। ये कंसिस्टेंसी ये बिजनेस की बहुत अच्छी है। भले श्रावण समर सीजन में 1500-2000 जेब से भी डालना पड़ता है, लेकिन महीना दो महीना ऐसा डाला भी तो आगे के टाइम में आपको वो वसूल भी हो जाता है। ये फार्म कितने बाई कितने का है यहाँ पे? ये लगभग 16x135 फीट का है। और रैक दो है यहाँ पे? 3 रैक है, 1, 2, 3। और हाँ, तीन रैक ऐसे, दो टोटल, दो टोटल कलेक्शन बीच से अंडों का, कलेक्शन बीच के अंडों से होता है। और टोटल इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पे कितनी हुई? लगभग मुर्गियाँ पकड़ के, मुर्गियाँ केजेस, उनका जो रूम अंडे रखने के लिए वो रूम, और मुर्गी आने के बाद लगभग 40 दिन उनको खाना खिलाना पड़ता है, उसके बाद अंडे चालू होते हैं। हाँ, तो लगभग पहला अंडे आने के लिए ये बैच को लगभग स्ट्रक्चर पकड़ के 22 लाख रुपीज लग गए, मतलब 21,76,000 लगभग 22 लाख रुपीज लग गए। हिसाब भी बराबर रखा आपने, 22 लाख तक खर्चा हुआ है। खर्चा हुआ है। और अभी कितने साल हुए आपको ये कर रहे हैं? ये लगभग ये अभी चौथा साल चल रहा है। अभी कोरोना में कैसे, कुछ दिक्कत हुआ? कोरोना में सर शुरुआत के दिनों में जरा सा लगा था कि यार क्या होगा, लेकिन किसी ने तो कहा है मेरे, मतलब जिनके मैं फॉलो करता हूँ, बस आप ये लाइन के बारे में, पोल्ट्री के बारे में आप ज्यादा सोचिए मत, धंधे में बस टिके रहिए,
पैसा आपको मिल ही जाएगा, ऊपर नीचे होता रहेगा लेकिन रहे पैसा मिलेगा। मतलब कोरोना स्टार्ट होने के बाद 15 फरवरी के बाद में 2 रुपए से अंडे बेचा, वही अंडा 15 अप्रैल के बाद 5.5-6 रुपए से बेचा, वो भी आगे के 10-10 दिन बुकिंग करके। और ये धंधे प्लस माइनस होता है। ये जब मुर्गी आप लाते हैं तो कितने दिन की यहाँ पे ये लाई जाती है? 105 दिन की। कौन सी ब्रीड है ये? ये बोन्स है, बोन्स। पर डे अंडा देती है एवरेज? पर डे मतलब इनका अंडा 24 आवर को एक अंडा देने का रहता है, जवानी में 24 आवर, ये ड्यूरेशन बढ़ता ज्यादा 25, 26, 27। आज के दिनों में इनका 95% प्रोडक्शन है, ये अभी 6 महीने के बाद में 92-93% तक आ जाएगी, जैसे उम्र बढ़ती है वो ड्यूरेशन कम कम हो जाता है अंडे देने का। ओके, कितने दिन तक देती है एक बार हम मुर्गी लाने के बाद? लगभग एक 22-24 महीने अंडे देती रहती कंटिन्यू, उसके बाद में भी देती रही, लेकिन अब हम फाइनेंस का कैलकुलेशन करें, इन्वेस्ट खर्चा और अंडे का, एक 20 से 22 महीने हम चला सकते हैं फार्म, उसके बाद में ये फिर कटिंग के लिए जाती है, फिर नई मुर्गी। और एक अंडे के अभी क्या प्राइस चल रही है? जैसे अभी ये 4.90 रुपए से जा रहा है, ये अभी 4.90 रुपए से पेपर मार्केट रेट है, उसमें हम व्यापारियों को कुछ 30-35-40 रुपए माइनस से देते हैं। तो अभी 4.90 का हम उनको 4.50 रुपए में देते हैं। और अगर एक छोटा हिसाब पूछूं तो एक अंडे में हमें 4.50 रुपए में जा रहा है तो कितना खर्चा होता होगा? आज के तारीख में सर 3.16 रुपए बराबर, 3.16 रुपए मतलब 1.20-30 रुपए एक अंडा में, एक अंडे आज के दिनों में। लेकिन अभी 2 महीने पहले की बात किए तो मार्केट कंटिन्यूसली 5.25-5.5 के आजू बाजू में था, तब तो 2-2 रुपए भी मिलता था, मतलब डेली 2,000-3,000 तो मिनिमम मिल ही जाते। इसलिए मैंने बोला पेंशन स्कीम है ये, इसमें एज अ लाइक स्पोर्ट लैंग्वेज में बोला जाए तो ये T20 मैच नहीं, चौके छक्के लग जाए, ये टेस्ट मैच है, एक एक ही रन निकलेगा लेकिन 100% निकलेगा, कम रिस्क में निकलेगा, धीरे धीरे निकलेगा। इन्वेस्टमेंट भी हैवी है, कॉस्टिंग इन्वेस्टमेंट भी हैवी लेकिन लॉन्ग टर्म, इसलिए मैंने वही भी बताया कि इन्वेस्टमेंट 20 लाख करोगे तो 1 ईयर में नहीं, दैट शुड बी डिवाइड इन 10 ईयर्स, क्योंकि अब 10 साल तक बिजनेस कर लेगा। और कोई रिस्क इसमें? सर रिस्क इसमें ना बोले तो बहुत कम है सच बोलूँ तो, जो क्योंकि इनका जब 105 दिनों में हम लाते हैं तो बहुत से मेजर वैक्सीनेशन उनके किए जाते हैं। इनका एक ही हिसाब बोलूंगा, इनका या हर जानवर का, स्वच्छ पानी और स्वच्छ फीड, इतना देना कुछ भी नहीं होता। इनको क्या फीड देते हैं आप? इनको मक्का रहती है, सोया रहता है, कुछ सुकट रहता, मतलब हम सूखे हुए मच्छी रहती है वो देते हैं। पीछे आपका देखा मैंने वहाँ पे रखा हुआ है, सब रखा हुआ, ऐसा सब देना पड़ता है, रेगुलर दिया जाता है, सुबह शाम दिया जाता है। ओके, चलिए बाहर चलते हैं। दोस्तों गजब, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से मैनेजमेंट है और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हम यहाँ पे और सीखने को हमें मिल रही है। शेड्यूल है सब, ये शेड्यूल यहाँ पे लिखा हुआ पूरा, कब कौन सा कब वैक्सीन दिया है, वैक्सीन लासोटा AD3 लासोटा, कैल्शियम, जिप्रोमीन, ऐसा दिया देना पड़ता है। दवाई को तो कोई दिक्कत ही नहीं है? नहीं सर, आपको एक एक दवाई सब पूरा पता है क्योंकि 10-15 साल से आप वही चीज में काम कर रहे हैं। और मालूम भी होना चाहिए, अगर ना मालूम हो तो 15 साल काम करने से मतलब क्या बनता है, तो मालूम भी होना चाहिए मैं तो सोचूंगा। सही बात कहा, ये बात तो 100% पते की है। अब हमें आपके जो है डॉग दिखाइए थोड़ा। डॉग भी जब स्टार्ट में चालू किया तो ऐसा कुछ कमर्शियल व्यू नहीं था, ये बस शौक के लिए किया। लेकिन जब वो ब्रीडिंग करते हैं हम सब लोग, ब्रीडिंग करने के बाद जब छोटे बच्चे आते हैं ना, तो वो देखने के लिए दिल को बहुत तसल्ली मिलती है। अच्छा, इसकी वजह से दोनों फैमिली, दोनों सब फीमेल ही है यहाँ पे। अच्छा, सब ब्रीड में, मतलब डॉग देखो, कैट देखो, सब फीमेल ही है, मेल नहीं है ज्यादा अपने पास, सब फीमेल ही है। इनका क्या नाम है? इनका छोटी है, इनका लकी है। अच्छा, लकी और छोटी। लकी और छोटी, लकी के नाम से फार्म है। हाँ, दूसरी लकी मतलब है घर पे, ये गुजर गई तो उनका याद में इसका नाम रखा हुआ है। तो लकी गोट फार्म से इनके पूरे फार्म का नाम है, सब सब फार्म का नाम उनके नाम से ही। और पीछे के साइड में आपने जो है हरा चारा का पूरा, सब चारा का मैनेजमेंट यहाँ पे किया है, जो की आप यही पे इस्तेमाल करते हैं? यही से, यही से, मतलब ज्यादा आपको चारा खरीदने की जरूरत नहीं है सर। क्या ब्रीडिंग में अपने 10-12 ही वो एनिमल है बोर के, अभी वो 40 तक है, अभी ये ईयर एंड तक 40 तक पहुंचने की कैलकुलेशन है। इसके लिए उनको कम लगता है चारा, सूखा चारा ज्यादा लगता है। अच्छा, ये सिस्टम है आपके? हाँ, क्योंकि सूखा चारे में सबसे ज्यादा हीवी प्रोटीन, अगर कहीं में भी बोले तो सूखे चारे में ज्यादा रहता है। ग्रीन ग्रास में ऑलमोस्ट 70% वाटर रहता है। तो एक जस्ट आप एज अ पार्ट ऑफ लुब्रिकेंट डाइट, लुब्रिकेंट तो दे सकते हैं, लेकिन पूरा हरा चारा नहीं दे सकते या देना भी नहीं चाहिए। अच्छा, कुछ बातें हमें ये आपके सोफिया और जिमी के बारे में बताइए। जब मैं गेट से एंट्री किया, काफी इंटरेस्टिंग चीज थी, कुछ ट्रेनिंग की बातें कुछ आपने काफी सारे बताइए डिटेल में थोड़ा। ये सोफी की बच्ची है, ये इसका नाम जिमी है, ये लॉन्ग कोट में, मतलब इसका एक एक हेयर भी देखेंगे, ये देखो बड़े बड़े हेयर है, सब लॉन्ग कोट में है ये जी।
तो इनको इनको ट्रेनिंग दिया जाता है स्पेशली। ट्रेनिंग का कुछ अलग नहीं है, बस एनिमल की ब्लड लाइन अच्छी रही। जर्मन शेफर्ड, जर्मन शेफर्ड या लैब हो, कोई भी हो, ब्लड लाइन अच्छी रही तो अपने आप सीख जाते हैं। अभी क्या रेट में जा रहा है जर्मन शेफर्ड? फिर भी जर्मन शेफर्ड नासिक का नॉर्मल मार्केट भी बोले तो 18 से 25 हज़ार में है। 18 से 25 हज़ार लोग बिकते, मैं जानवर नहीं बिकता, मैं बिकते समय रिमोट कंट्रोल बिकता हूँ। मतलब रिमोट कंट्रोल, मतलब लोग बोलते डॉग है तो मैं बोलता हूँ नहीं, रिमोट कंट्रोल मिलेगा, मतलब पूरा ट्रेन करके ही बेचता हूँ। वो ट्रेनिंग की कुछ टैक्ट रहती, वो उस हिसाब से बेचना पड़ रहा, उस हिसाब से सिखाना पड़ता है उनको। मतलब आप जर्मन क्वाइट बेटा शेफर्ड को बकायदा ट्रेन करते, ट्रेन हैं करता। और उसके बाद सेल करते ताकि लोगों को भी अच्छी चीज जाए, अच्छी चीज जाए और अच्छा लगे उनको, मतलब वो पूरा अच्छा लगे उनको। ये अभी ट्रेन नहीं है, ट्रेन नहीं है अभी, ये बाली एज में है, नॉर्मल टीनेजर है। हाँ, टीनेजर है ये, अभी सिखाना पड़ेगा उसको अभी। और ये एज में उनको एंजॉयमेंट करना चाहिए, जितना एंजॉयमेंट करना उतना कर लो, बाद में फिर हम उसको ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेन देते हैं, बहुत ये हिल रहा है और अंदर जो है वो इनकी माँ है, माँ है वो शांत है। बहुत ये तूफान भाग रहा है ये। और इस साइड में कौन सी बकरियाँ है, क्या ये सब ट्रेडिंग का है फार्म? ट्रेडिंग मतलब बाहर से जानवर लाना और यहाँ पे बेचना, फार्मर्स के एच पर रिक्वायरमेंट, वो हिसाब से हम खाली काम करते हैं। जी जी जी, कौन सी ब्रीड आप लाते हैं, कौन सा? मेजरली हमारा जो काम है वो सिरोही कोटा में, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे कोटा ब्रीड की कोटा ब्रीड है। अच्छा, यहाँ पे अभी तो ये ब्रीड में ज्यादा हम काम, अभी बकरियां मतलब बिक गई है तो इस वजह से यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम। और यहाँ का जो फार्म है, जहाँ से आपने बोर का फार्म देखा, तो वहाँ पे कुछ वायरल इन्फेक्शन बाहर से ना, इसलिए हम ज्यादा यहाँ पे फार्म लाते नहीं। हमारा एक दूसरा फार्म है दूसरी जगह पे, वहाँ पे एनिमल पूरा सेट कर देते हैं। ओके, बेचते समय हम यहाँ पे आते हैं क्योंकि वहाँ पे पूरा जंगल है, तो वहाँ पे एनिमल सेट करना ज्यादा दिक्कत वाला काम रहता नहीं है। यहाँ पे ज्यादा बंद है तो सेट करने के लिए तकलीफ हो जाती है, इसलिए वहाँ पे सेट करके यहाँ पे बेचने के लिए। अभी 2-3 दिन के बाद बोर की भी ऑर्डर है, तो ये भी मेल लाए हुए उनको बेचने के लिए, सिरोही क्रॉस करने के लिए। ओके, ये कौन सी है? ये बोर है, बोर है, अफ्रीकन बोर, सिरोही, ये सिरोही है, वो सिरोही है, ये सिरोही कोटा है, ये सिरोही है, लंबे कान वाली ये कोटा है, कोटा है। हाँ, ये कोटा है। ये ट्रेडिंग आप कब से कर रहे हैं? मतलब बिजनेस का स्टार्ट ही ट्रेडिंग से हुआ। अच्छा। सिरोही कोटा में ही काम करता हूँ मैं रेगुलरली। ये मेजर अपना यही बिजनेस से हम स्टार्ट किया है सब। अच्छा, लकी गोट फार्म जो है आपका, मतलब ये ट्रेडिंग से आपने शुरुआत की है, उसके बाद बाकी सारी चीजें आपने, ये बाकी सब चीजें धीरे 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 शौक के हिसाब से डेवलप हो रहा है। ये वाला फॉर्म किस लिए, इसीलिए है? मतलब ये खाली ट्रेडिंग का फॉर्म है, अगर आपने बारीक से देख लिया तो वहाँ पे अगर देखे 2-2, 3-3 कागज लगे हुए हैं, ये इसका मेजर रीजन है। जो एनिमल में हम डील करते हैं वो एनिमल राजस्थान से आते हैं, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है। अच्छा, तो इसीलिए आपने जो पूरा पैक किया हुआ पैक कर दिया है, अंदर भी 2200 वैट के बल्ब लगे हुए, ये इसके लिए कि वो हॉट टेम्परेचर मेंटेन रहे, क्योंकि इनको अगर सर्दी हो गई, सर्दी का निमोनिया और निमोनिया का पीपीआर में कन्वर्जन रेशो बहुत फास्ट बन जाता है। तो बेसिकली सर्दी के लिए हम ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर ज्यादा ध्यान रखते हैं कि सरदर्द ना हो उसको, उनको वो हिसाब से ज्यादा प्रिपरेशन करना पड़ता है। बहुत बहुत बढ़िया, आपने जो है ये पूरा फार्म जो है वाकई में, मतलब इतने छोटे जगह में जो है इतना अच्छा किया है। भले 10 एकड़ हो लेकिन वो कोई फायदा नहीं है, लेकिन 1 एकड़ में जो आपने हरा चारा भी किया है, इधर ट्रेडिंग का भी है, उधर लेयर में पेंशन चालू है आपकी, उधर गोट फार्मिंग में बोर है, दोस्तों वाकई में लाजवाब है, एक शेयर तो जरूर बनता है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने हमारे चैनल को समय दिया और बहुत अच्छी जानकारी दी। थैंक्स अ लॉट फॉर इंडियन फार्मर यूट्यूब चैनल, थैंक यू सर। तो दोस्तों ये वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं, आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन पूरा भर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।